जिंदगी में मुश्किल कितनी भी हो, कोशिश करते रहिए बेहिसाब। सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी, यकीन रखिए प्यारे जनाब। साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो साथियों आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं वह है अपना टॉपिक प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में आपको सबको मैं पहले बता देता हूं साथियों कि इस क्लास में सामान्य सा इंट्रोडक्शन प्रतिशत का है, यानी कि प्रतिशत के बारे में अपन कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है पहले अपन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन के यानी कि इस टॉपिक के जो भी अपने क्वेश्चंस आंसर है उनको हल करेंगे। तो देखिएगा प्रतिशत, प्रतिशत का सामान्य सा अर्थ क्या होता है, तो साथियों आप प्रतिशत को दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, प्रति धन सत। प्रति का मतलब होता है साथियों प्रत्येक, और सत का मतलब होता है सौ, यानी कि ऐसी गणना जो सौ पर की जाती है या प्रत्येक सौ पर की जाने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। देखिएगा साथियों, मैं एक छोटी सी लेवल जीरो लेवल से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर अपन आर्मी लेवल की तैयारी करते हैं, तो कंसेप्ट अपना 100% क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा प्रतिशत में हो गया प्रत्येक सौ पर गणना, इसे हम कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का प्रतीक यानी चिन्ह क्या होता है, तो तिरछी लाइन के ऊपर और नीचे जीरो, इनकी इस प्रकार से अपन प्रतिशत का निशान लगाते हैं। तो छात्र ये हो गया अपना प्रतिशत का चिन्ह हो गया, सबको पता है, मुझे पता है साथियों, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या होता है कि प्रतिशत के बारे में क्या कहानी है, तो सुनिएगा कि जैसे मान लो मैंने लिखा 10%, अब इस 10% का मतलब क्या है, यानी कि इस 10% का ये जो लिखा हुआ है इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। तो प्यारे साथियों 10% का मतलब होता है 100 में से 10, यानी कि कोई भी वस्तु है उसको 100 में से 10वां भाग, यानी 10% हो गया 100 में से 10। इसी प्रकार यदि मैं कह दूं 20% का मतलब क्या है, तो आप कह दोगे 100 में से 20, तो उसको कहते हैं अपन 20%। यानी कि एक सामान्य सी बात करें तो प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं कि 100 के ऊपर गणना करना प्रतिशत कहलाता है। अब अपन क्या पढ़ेंगे कि एक अपन पढ़ेंगे साथियों आज इस क्लास में, वो ये पढ़ेंगे कि जो प्रतिशत दिया हुआ है इस प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। एक तो पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि भिन्न संख्या होती है, इस भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या काम करते हैं। सभी साथी कह देंगे अभी कि सर जी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगा दो, 100 का भाग लगा दो। और आप कह दोगे दूसरी बार कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, लगभग 90% ये कहेंगे 100 का गुणा कर दो। अब यहां से एक बात आपने कह दी कि 100 का भाग लगा दो, ये तो ठीक है, मान लिया आपका 100 का भाग लगा देंगे, सही आंसर है। लेकिन प्यारे साथियों जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब आप कहोगे या आपने ये विचार किया साथियों कि 100 से गुणा करते हैं, हम रोज 100 से गुणा करते हैं, आज गलत कैसे आएगा। तो प्यारे साथियों इसका मतलब ये हो गया कि भिन्न संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा नहीं करेंगे, उसको 100% से गुणा करेंगे। किसे गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे, और 100% का मतलब होता है प्यारे साथियों एक। 100% का मतलब कितना होता है, एक होता है। क्यों एक होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि 100% का मतलब होता है 100 में से 100, और 100 में से 100 का मतलब एक। इसीलिए किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो उस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी कारण हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो उसको 100% से गुणा करेंगे। आपको कहते हैं कि आप 4/5 को प्रतिशत में बदलो तो आप सीधा 100 से गुणा कर देते हो, काट देते हो 20 बार और 4 को गुणा कर दिया 80%। आपने यहां तो प्रतिशत लगे ही नहीं और यहां प्रतिशत आप लेके आ गए, कहां से आया। यदि आप 100 से गुणा करते
तो फिर ये प्रतिशत कहां से आया? अब आपके दिमाग में यहां से जो मैंने बात लिखी है कि ये आप 100 से गुणा करोगे तो गलत होगा, क्योंकि आपने 100 से गुणा किया तो साथ ही 80 आएगा, फिर प्रतिशत का निशान आप लगा देते हो, पीछे से टपका देते हो, क्या ये जेब में से निकाल के वो टपकाते हैं? नहीं साथियों, इसमें हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें कोई संख्या भिन्न संख्या होगी तो उस भिन्न संख्या को हम 100% से गुणा करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 80%। यानी कि मैंने सिर्फ एक कंसेप्ट समझाया है आपको कि किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100% से गुणा करेंगे, और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 का भाग लगाएंगे। अब आपके दिमाग में ये जो दोनों कंसेप्ट है इसके बारे में पूरा का पूरा आपके दिमाग में एक डायग्राम बन गया कि मुझे अब आपको ये कंफर्म हो चुका है कि यदि मुझे भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो मैं उसको 100% से गुणा करूंगा, और यदि मुझे प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो मैं उसमें 100 का भाग लगाऊंगा। तो आपको यहां बात ये क्लियर हो चुकी है। साथियों, इस क्लास को मैं मोबाइल से लाइव हूं तो आपके कमेंट पढ़ने में थोड़ी सी, इनकी मेरा जो स्क्रीन है विपरीत साइड में रह गया है, तो कमेंट के आपके जवाब में आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा, उसमें आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपके जवाब मिल जाएंगे। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यदि आपने इस गणित का क्या पाठ्यक्रम है, इसकी रणनीति क्या है, वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो आपको यहाँ पर एक आई बटन दिख रहा है, यहाँ पर एक लाइन लिखी जा रही है गणित पाठ्यक्रम के हिसाब से, दसवीं का जो अपना आर्मी का सिलेबस है तो वो आपको यहाँ दिख रहा है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि बिल्कुल यथावत रूप से रहेगी, जिसमें क्या कंसेप्ट रहेंगे उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक बेसिक जानकारी दी है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, और भिन्न और को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलने का क्या कंसेप्ट रहते हैं। अब एक बार आपके सामने लिखता हूं मैं कि 500 का 20% मैंने लिखा, 500 का 20% कितना होता है? तो साथियों, यहां से सबसे पहले तो अपने को अभी जो मैंने बात बताई थी 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कह दोगे कि 20% का मतलब होता है 100 में से 20। 20% का मतलब होता है 100 में से 20। अब मैंने पूछा 500 का क्या मतलब हो जाएगा, तो आप कह दोगे इसको गुणा कर दो 500 से, फिर 20 से 20 काट दोगे तो आपका उत्तर आएगा, वो आएगा 20 × 5 यानी कि 100। 500 का 20% कितना होता है, तो 500 का 20% 100 होता है, यानी कि कुछ भी नहीं है साथियों, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको लिख लो पहले कि 500 की बात हो रही है तो 500 की बात ये लो 500, फिर कितने प्रतिशत की बात हो रही है, अब 20% की बात हो रही है, 20% का मतलब है 100 रुपए पे 20 रुपए, तो 200 पे 40, 300 पे 60, 400 पे 80 और 500 पे 100 आते हैं, यानी कि आपको कह रखा है 20 रुपए है वो 100 पे मिल रहे हैं, तो 500 पे कितने मिलेंगे, तो 500 पे आपको 100 रुपए मिलेंगे। ये बात एक पहला कंसेप्ट सीखा। अब देखिएगा, यदि मैं इसी प्रश्न को यदि मुझे पता होता कि 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है 20% का मतलब होता है 1/5, काफी लोगों को दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो गया कि 1/5 कैसे होता है, तो देखिएगा 20% का मतलब यही लिखा था 20/100, इसको काट दो तो 1 बार और ये कट गया 5 बार, 20 के पारे से काट दे कितना आ गया 1/5 आ गया, यानी कि मैंने 20% को बटे में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया, तो मेरे पास आ गया 20% का मतलब आ गया 1/5। अब इस 1/5 का मतलब क्या, 1/5 का मतलब है कि 5 रुपए पर 1 मिल रहा है, तो 500 पे कितना मिलेगा, तो 500 को बाहर दे दो इसमें तो भी कितना आंसर आ गया, 100 आंसर आ गया, यानी कि प्रतिशत को पहले भिन्न में बदल के भी आप मान निकाल सकते हैं,
या सीधा आप 100 का भाग लगाकर भी मान निकाल सकते हैं। अभी मैं एक बेसिक सामान्य सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, उसके बाद में देखिएगा अपने पास में मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, यानी कि कुछ बेसिक बात लिखी है, उसमें कोई दो तीन बेसिक और कंसेप्ट है वो सीख लेते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा कि 4-5 का कितना प्रतिशत है, पहला एक मैंने क्वेश्चन लिखा 4-5 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि साथियों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं कुछ बेसिक जानकारी के लिए, आगे हेवी हाई लेवल के जो क्वेश्चन है उनको भी लेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि काफी विद्यार्थियों को पता है कि हमें 4 और 5 की बात हो रही प्रतिशत के हिसाब से हो रही है, लेकिन अब करें कैसे, काफी विद्यार्थियों को यहाँ पे एक डाउट रह जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस प्रश्न में बात किसकी हो रही है, किसकी बात हो रही है और किसके संदर्भ में हो रही है, ये देखो बात हो रही है 4 की, किसकी बात हो रही है 4 की बात हो रही है, किसके संदर्भ में किसके साथ हो रही है 5 के साथ हो रही है, ये तो पूछा ना कि 4-5 का कितने प्रतिशत है, ये तो नहीं पूछा 5-4 का कितने प्रतिशत है, एक होता है 5-4 का और एक है 4-5 का। तो पहले देखो बात किसी करें, बात अपन करें 4 की, इस प्रश्न में 4 की बात कर रहे हैं कि 4 है जो 5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 की बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है उसको लिख दो ऊपर, जिसके संदर्भ में बात हो रही है उसको लिख दो नीचे, तो 4/5 हो गया। प्रतिशत की बात हो रही है तो इसको 100% लगा कर दो गुणा। अब देखो 5 को काटोगे 100 को तो आपके कट गए 20 बार, 20 को 4 से गुणा किया तो आपका आ गया 80%, यानी कि 4 है वो 5 का कितने प्रतिशत है, तो 80% है। अभी इसी प्रश्न को एक और अलग अंदाज से घुमा के पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है तो देखिएगा क्वेश्चन ये पूछ सकता है 4-5 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, या कितना प्रतिशत ज्यादा नहीं सॉरी कितना प्रतिशत कम है। यहां ये प्रश्न पूछ लेता कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है, अभी बात किसकी हो रही है 4 की हो रही है, किसके संदर्भ में हो रही है 5 के संदर्भ में हो रही है, तो आप कह दोगे कि 4 और 5 का वास्तविक अंतर कितना है, 4 5 4 है वास्तव में 5 से कितना कम है, तो वास्तव में 1 कम है, किससे कम है 5 से कम है, तो 100 से कितना कम हो जाएगा, तो आप कह दोगे कि 4 है 5 का 20%, 4 है 5 से 20% कम है। यदि मान लो कैसे कम हुआ 20% कैसे, मैं बताऊं आपको, तो देखिए 100% वैल्यू का मान है वो आपका है 5, 80% वैल्यू का मान है वो है 4, तो आप दोनों का अंतर कितना 1, इधर अंतर कितना 20%, यानी कि यहां से आपके सामने एक कंसेप्ट निकल के आ गया कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4-5 से 20% कम है। कैसे ज्ञात करते हैं इसे, ऐसे क्वेश्चन अपन जब अंतर लाभ आने पड़ेंगे तब काफी सारे ऐसे कंसेप्ट काम आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है। अब जिसकी बात हो रही है उसको तो लिखना है ऊपर, लेकिन यहां पे कम की बात हो रही है तो अपन 4 को नहीं लिखेंगे साथियों, अपने को पहले प्रश्न में देखना पड़ेगा सिर्फ पूछ क्या रहा है, यहां पूछ रहा है कम, तो दोनों में वास्तविक अंतर कितना है उसको देख लो, सीधा अपने को घटाने की जरूरत नहीं है, दोनों का वास्तविक अंतर कितना है, तो आपको दिख रहा है कि 5 और 4 का अंतर है 1, किसके संदर्भ में पूछ रहा है 5 के संदर्भ में पूछ रहा है, तो बट्टे में 5 और गुणे में 100%, इसका आंसर आ गया 20%। कुल मिला के मैंने आपके सामने एक कंसेप्ट रखा। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं तीसरी लैंग्वेज बना रहा हूं, इस प्रश्न की तीसरी लैंग्वेज मैंने बना ली कि 5-4 से कितना अधिक है, 5-4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 5-4 से कितना प्रतिशत अधिक है, लैंग्वेज चेंज होगी, पहले 4-5 से कितने प्रतिशत कम था, अब 5-4 से कितना प्रतिशत अधिक है, किसकी बात हो रही है 5 की बात हो रही है, किसके संदर्भ में हो रही है, तो 4 के संदर्भ में हो रही है, वास्तव में अधिक कितना देख लो,
तो वास्तव में अधिक एक है, किससे अधिक पूछा है, तो चार से अधिक पूछा, यहां बटे में बार चार आएगा और गुणे में आएगा 100%, चार से 100 कट गए 25 बार, तो इसका आंसर आ गया आपके सामने 25%, यानी कि 5 है वो 4 से 25% अधिक है। आपके ये बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक मुझे एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आपके जो साथियों कमेंट है वो कमेंट मेरी साथी टीम के सदस्य पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो देखिएगा साथियों, मैंने आपके सामने एक कंसेप्ट समझाया है कि प्रतिशत में कौन सी वैल्यूज का कितना रोल होता है, किसके बारे में बात की जा रही है और किसके संदर्भ में की जा रही है। जैसे मैं आपका कौन हूं या आप मेरे कौन हैं, दो लैंग्वेज है, मैं आपका कौन हूं तब मेरे बारे में बात हो रही है, आपके संदर्भ में हो रही है। यदि पूछ लेते कि आप मेरे कौन हैं, तो आपके बारे में बात होती है मेरे संदर्भ में हो रही है, तो जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है उसको लिखो आप ऊपर, जिसके संदर्भ में बात हो रही है उसको लिखो आप नीचे, और फिर इसको आप गुणा करो 100% से। यह है आपका इसका बेसिक फंडामेंटल। किसके बारे में बात हो रही है उसको लिखेंगे ऊपर, किसके संदर्भ में बात हो रही है उसको लिखेंगे नीचे, और गुणा करेंगे 100% से। क्यों करेंगे 100% से गुणा, क्योंकि 100% का मतलब होता है एक, पर किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक आपके बात समझ में आ चुकी है। अब देखिएगा, अपन क्या करते हैं कि ऐसे ही कुछ प्रतिशत के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि कुछ विशेष मान है, उस विशेष मान को मैं लिख लेता हूं, आप भी साथ साथ नोट कर सकते हैं या बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या साथियों आपको लगे कि मैंने इस वीडियो को पूरा देख लिया है लेकिन नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपको ये वीडियो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आर्मी लाइव क्लास का एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप इस पूरे के पूरे सेशन को, पिछले सेशन को भी देख सकते हैं और आने वाले सेशन भी आपको वहां मिलेंगे। यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो इसी वीडियो के एंड के अंदर, जब वीडियो खत्म हो जाएगी क्लास, तो इसी वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक छोटा सा प्यार अवश्य मांग रहा हूं कि क्लास को लाइक करें और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करते रहें। साथियों आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, देखिए आगे क्या है कि अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंपोर्टेंट वैल्यू रख रहा हूं, इन वैल्यूज को आप एक बार लिख लेना और इस वैल्यू के ऊपर आप जो भी क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो आप सीधे ऐसे ही मान रखेंगे वैल्यू में जैसे मैं लिखा रहा हूं, तो आपको 100% एक ट्रिक का काम करेगी। यानी कि अपन कोई काम करते हैं, गणित के अंदर ट्रिक बनती नहीं बनाई जाती है, ट्रिक अपन खुद बनाते हैं, बाकी गणित का एक बेसिक फंडामेंटल होता है, यदि हम बेसिक फंडामेंटल को शॉर्टकट तरीके से अपनाते हैं उसी को हम ट्रिक कहते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपके सामने पहला एक मान लिख रहा हूं, अलग अलग भिन्न की बात करते हैं। सबसे पहले 1/1 की बात करें तो इसका मतलब होता है 100%, 1/2 की बात करें तो इसका मतलब होता है 50%, 1/3 की बात करें तो इसका मतलब होता है 33.1%, 1/5 की बात करें तो इसका मतलब होता है 20%, 1/7 की बात करें तो इसका मतलब होता है 14.2%, 1/9 की बात करें तो इसका मतलब होता है 11.1%, और 1/11 की बात करें तो इसका मतलब होता है 9.1%। इसी प्रकार 1/13 की बात करें तो इसका मतलब होता है 7.9%, 1/15 की बात करें
तो इसका मतलब होता है 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। इसी प्रकार 1 बटा 17 की बात करें तो इसका मतलब होता है 5 सही 15 बटा 17 प्रतिशत। 1 बटा 19 की बात करें तो इसका मतलब होता है 5 सही 5 बटा 19 प्रतिशत। देखिएगा मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मान लिखे, ये मान मैंने जिस प्रकार से लिखे हैं कैसे लिखे हैं आप सबके सामने इसका डिस्कस करेंगे और ये मान क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी भी हम बात करेंगे। अब देखिए आपको कह दिया जाए कि एक कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के ऊपर आपके सामने कह दिया जाए कि 5 सही 5 बटा 19 प्रतिशत का लाभ लेना है, 5 सही 5 बटा 19 प्रतिशत का लाभ लेना है। यदि इस गाड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब साथियों ये लाभ हानि में प्रतिशत वहां काम आता है। अब आपने को 5 सही 5 बटा 19 5 सही 5 बटा 19 दिमाग में घूम रहा है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, लस ले रहे हैं, जोड़ बाकी कर रहे हैं, काफी सारी मकसद कर रहे हैं, फिर भी आपका आंसर निकालने में टाइम लग रहा है। यदि आपको पता है कि 5 सही 5 बटा 19 का मतलब होता है 1 बटा 19, तो आपकी जो संख्या दी है उस संख्या को जो क्रय मूल्य दिया है उस क्रय मूल्य को 1 बटा 19 से गुणा कर दो, आपका लाभ इनकी कितना आया उसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे आगे, तो आपको ये वैल्यूज याद करने का मैंने एक तरीका बताया कि वैल्यू कहां काम आएगी वो चीज मैंने आपको बताई है। अब देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 1 बटा 1, सबको पता है इसका मतलब होता है 100। 1 बटा 2 को मैंने 100% से गुणा किया तो आ गया 50%। 1 बटा 3 को मैंने 100% से गुणा किया तो आ गया 33 से 1/3%। 1/5 को मैंने 100% से गुणा किया तो आ गया 20%। 1/7 को 100% से गुणा किया तब आ गया 14 से 2/7%। 1/9 को गुणा किया 100% से तो आ गया 11 से 1/9%। और 1/11 का गुणा किया 100% से तो आ गया 9 सही 1/11%। इसी प्रकार 1/13 का गुणा किया 100% के साथ में तो आ गया 7 सही 9/13%। 1/15 का गुणा किया तब आ गया 6 सही 2/3%। 1/17 का गुणा किया 100% से तो आ गया 5 सही 15/17%। और 1/19 का गुणा किया 100% से 19%। अब देखिएगा कुछ और मान भी है लेकिन उसका मैं एक आपको कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे मान लो आपको पूछे कि 1/4%, 1/4 का मान कितना होता है। अब आपके सामने 1/4 का मान कितना होता है, आप करोगे 100 से गुणा, फिर लिखोगे 100/4, 100% गुणा करोगे, 100/4% करोगे, फिर लिखोगे 25 बार कटा 25%। ये है आपका पूरा बेसिक जो आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, दसवीं में पढ़ा होगा, नवीं में पढ़ा होगा या किसी कोई भी क्लास में आपने पढ़ा होगा। आपको कह दिया कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो तो आप क्या करोगे, 1/4 को 100% गुणा करोगे, फिर 100 हो गए, 100 में 4 का भाग लगाओगे 25, फिर प्रतिशत का निशान लगा दिया। ये मेरे साथियों छोटे क्लास की बातें हैं, कंपटीशन के अंदर ऐसा काम नहीं करना है। अपने को देखो 1/2 का मतलब कितना होता है, 50% होता है। 1/2 का डबल कर रहे हैं यानी कि 1/2 का 1/4 कर रहे हैं यानी कि 1/2 का कर रहे हैं आधा, 1/2 का क्या कर रहे हैं आधा कर रहे हैं, डबल नहीं कर रहे हैं आधा कर रहे हैं। 1/2 का आधा होता है 1/4, तो 50 का आधा कर लो तो 1/4 तो 50 का आधा हो गया 25। आप कह दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आराम से निकाल दिया 25% होता है, कोई बात नहीं। 1/8 करो, अब आप कह दोगे सर जी 1/8 1/4 का आधा है, 1/4 का आधा होता है 1/8, तो 25 का आधा कर देंगे हम सीधा, तो 25 का आधा कर देंगे तो 25 का आधा करने हो जाएगा आपका 12.5%।
तो एक बटा आठ का मतलब हो गया 12.5%। अभी मैं कह दूं इसको फिर और एक संख्या लिख दूं 1/16 का बताओ, तो आपको पास में आपके पास कंसेप्ट है कि 1/8 का आधा होता है 1/16, तो 12.5 का आधा कर दो 4.25, ये लो जी आपका 6.25%। यानी कि 1/16 का मतलब आपका हो गया 6.4%। कोई बात नहीं साथियों, अपनी लाइट गई है, क्लास सही दिख रही है आपको, टेंशन ना लें, ठीक है। तो यहां तक अपने को इसमें अपने पढ़ा कि 1/16 का मतलब होता है आपका वो हो गया 6.4%। अब देखिए मैंने क्या कंसेप्ट लगाया, मुझे सिर्फ एक मान याद था 1/2 का, 1/2 का मान याद था, यानी मैंने 1/2 का मान याद कर रखा था 50% होता है। अब मुझे पता चला कि 1/4 ज्ञात करना, तो मैंने इसका आधा कर दिया, तो 1/4 का मान आ गया, 1/2 का आधा होता है। फिर 1/4 का आधा किया तो 1/8 आ गया, 1/8 आ गया, 1/4 का मान उसका आधा कर दो तो 25 का आधा 12.5 हो गया। फिर 1/8 का आधा किया तो 1/16 आ गया, तो 1/16 तो 12.5 का आधा कितना होता है, 12.5 का आधा होता है आपका 6.25, कितना होता है 6.4। तो साथियों ये 6.25 कैसे आए, ये आधे कैसे करते हैं, तो इतनी छोटी बात आपको पक्का याद होगी होगी। यदि आपको साथियों ऐसी बेसिक जानकारी चाहिए कि मुझे सर जी ये 1/12 का या 12.5 का आधा 6.25 कैसे आया, या इनके बारे में क्या कंसेप्ट है, ऐसी भी किसी को जानकारी चाहिए तो वो भी साथी कमेंट में कमेंट कर सकता है। यदि कमेंट में वो कमेंट नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे हमारे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है कि मुझे ये बात समझाओ, तो भी वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए साथियों मैंने आपके सामने लिख दिया। इसी प्रकार यदि मुझे पूछे कि 1/6 का मतलब कितना होता है, तो 1/6 का मतलब आपका इसका आधा किया, तो इसका आप आधा करोगे तो आपके सामने आएगा 16.2%। यानी कि 33 का आपने आधा किया, 33 ही 1/3 का आधा कर दोगे तो 1/6 का मतलब आ गया 16.2%। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि 1/12 का आधा कितना होता है, तो 1/12 का आप पूछोगे तो होगा आपका 8.1%, क्योंकि 6 का आधा कर देंगे तो 1/12 होता है। इसी प्रकार 16 का आधा 8 और 2/3 का आधा 1/3% होता है। तो साथियों मैंने आपके सामने ये लिखा। इसी प्रकार 1/5 का मतलब 20% है, तो 1/10 पूछे तो 1/5 का आधा 1/10 होता है, तो 20% का आधा कितना हो गया, तो 20% का आधा आपका 10 हो गया। इसी प्रकार आपको पूछे कि 1/14 कितना होगा, तो 1/14 की बात करेंगे तो 1/7 है आपका 14.2%, तो 1/14 हो जाएगा 7.1%, क्योंकि मैंने दोनों की तरफ आधा करते हैं। यानी कि अपने को यदि 1/7 का मान याद था तो हम 1/14 का मान आराम से याद कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है प्रतिशत के, जो इसे अपन हॉल वैल्यूज कहते हैं या इसे अपन नॉर्मल वैल्यूज कहते हैं, क्योंकि साथियों ये एक पूरा फंडामेंटल है जो कि प्रतिशत को पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तब बहुत अच्छी हेल्प करेगा। ये जो मान लिखे ना, ये सारे के सारे मान बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जिस दिन अपना साथियों प्रतिशत चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, उस दिन आपके प्रतिशत के जो इम्पोर्टेंट मैंने फैक्ट पढ़ाए हैं, इन फैक्ट की एक PDF भी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो आपके नोट्स आप बना रहे हैं वो ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहिए, हमारे जो नोट्स बने हुए हैं वो क्लास खत्म होगी कि जब अपना चैप्टर खत्म होगा तब आपको उसके पूरे के पूरे एक सीक्वेंस के हिसाब से नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब आपके सामने साथियों ये पूरा का पूरा एक शेड्यूल, यानी कि मैंने जो मान लिखे हैं इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अपन आगे इसी पर कुछ बेसिक और बातें पढ़ेंगे, यानी कि इसके आगे के लेवल की। जैसे आपके सामने लिखा आ जाए 11/12 का मतलब कितना होता है, 5/3 का मतलब क्या होता है,
आठ बटा दो का मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ और फॉर्मूले, इनकी ऐसे कुछ और वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं प्रतिशत के अंदर, उनकी बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन आगे की क्लास के अंदर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो देखिए आगे अपना इसी में साथियों एक अगला टाइप पढ़ रहे हैं। उस टाइप के अंदर क्या है कि यही फंडामेंटल तो यही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक अलग बात है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि एक बटा पांच का मतलब होता है 20%, ये अभी अपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि दो बटा पांच का मतलब कितना होगा, दो बटा पांच का मतलब कितना होगा, या मैं आपको कह दूं तीन बटा पांच का मतलब कितना होगा, या कह दूं मैं आपको पांच बटा पांच का मतलब कितना होगा, या आपको कह दिया जाए चार बटा पांच का मतलब कितना होगा, तब आप क्या करोगे या उसका क्या फंडामेंटल रहता है। तो आप इसके लिए साथियों आप तो 100% गुणा ही करने वाले हैं, यानी कि अपना वही दिमाग काम करेगा, वही बेसिक बात काम करेगी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100% से गुणा करना है। लेकिन देखो जब भी अपने पास में ऐसे कुछ संख्याएं या ऐसे कुछ भिन्न संख्याएं आ जाए तो सबसे पहले आप उस संख्या को पढ़ो कि क्या संख्या दी हुई है। जैसे मान लो दो बटा पांच दी हुई है, इसके बटे में क्या दे रखा है, बटे को पकड़ो, यानी कि भिन्न संख्या के बटे में क्या लिखा हुआ है उस बटे वाली संख्या को पकड़ो। तो बटे वाली संख्या को पकड़ते हैं तो दो बटा पांच, तो बटे में पांच है मतलब एक बटा पांच को दो से गुणा करें तो दो बटा पांच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बटा पांच को मैं दो से गुणा करूं तो दो बटा पांच बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपके दो के बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया एक बटा पांच का मान है 20%, इसको दो से गुणा कर दो तो कितना आ गया 40% आ गया, यानी कि दो बटा पांच का मतलब हो गया आपका 40%। इसी प्रकार तीन बटा पांच की बात करें तो तीन बटा पांच का मतलब क्या होगा, तो एक बटा पांच का मतलब है 20%, इसको तीन से गुणा कर दो तो तीन बटा पांच का मतलब आ गया 60%। पांच बटा पांच का मतलब 100%, क्यों, क्योंकि एक बटा पांच का मतलब कितना होता है 20, 20 को पांच से गुणा कर दो, इनकी पांच है और पांच में से पांच आगे मतलब 100% आगे। जैसे मान लो आप एक परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा में अधिकतम नंबर 600 है और 600 में से आपने 600 नंबर प्राप्त कर लिए तो आपका रिजल्ट क्या है, आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए, 600 नंबर का पेपर था, 600 में से 600 अंक आपने हासिल कर लिए, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि 600 में से आपने पूरे 600 प्राप्त कर लिए तो आपने 100% अंक हासिल कर लिए। कितने हासिल कर लिए, क्योंकि 600 में 600 का भाग एक बार, पर एक को 100% गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100% आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे देखिए कि जैसे मान लो ये अपने पास में बटे में पांच है, बटे में पांच होना जरूरी नहीं बटे में पांच ही आए, जैसे मेरे साथ आपके पास में एक संख्या ले देता हूं कि 7/11 का मतलब कितना होता है, आप तो यही काम करोगे 100% से गुणा करो, ऊपर हो गए 700, बटे में आ गया 11 और प्रतिशत, फिर 700 का पहाड़ा बोलो, फिर आप पहाड़ा बोलोगे 7 बार गया 6 बार गया, ऐसे करोगे। लेकिन साथियों ये एक बेसिक जो पूरी बेसिक है वो है, लेकिन मैंने अभी आपके सामने एक टाइप बताया अलग से कि मुझे बटे की संख्या देखनी है, तो बटे की संख्या का मतलब कितना 11, बटे में 11 मतलब 1/11 कितना, तो आप कह दोगे कि 9 सही 1/11, 1/11 का मतलब 9 सही 1/11 है, इसको आप ऊपर क्या संख्या लिखी उसको गुणा कर दो, तो 9 को 11 से आप गुणा कर सॉरी 9 को 7 से गुणा करोगे तो 7 9 63, 7 1 7 बटे में 11, तो आपके पास में 7/11 का प्रतिशत कितना आ गया 63 सही 7/11 आ गया। कैसे आया देखिए, आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं आएगी, अभी और क्वेश्चन समझते हैं अपन। पहले आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो एक मिनट अपन इसको साफ कर लेते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं मैं आपको कि कोई भी भिन्न संख्या या बटे वाली संख्या है
उस संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम उसको जल्दी कैसे बदलें। मेरा एक टारगेट इसमें यही है कि प्रतिशत को जल्दी कैसे हल करें। जैसे आपके सामने एक संख्या ली थी मैंने 9/11 और मैंने कह दिया 9/11 को प्रतिशत में बदलो, प्रश्न इतना ही लिखा आता है, या प्रतिशत में मान कितना होगा, 9/11 का प्रतिशत में मान कितना होगा या 9/11 को प्रतिशत में बदलो, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब मैं इसको पहले अपना पूरा बेसिक क्या होता है उसे करते हैं। तो अपन बेसिक साथियों ऐसे ही करते हैं, 9/11 को 100% से गुणा करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं 100% से गुणा करते हैं, ऊपर हो गए 900/11 प्रतिशत का प्रतिशत लगा देते हैं, भाग देते हैं तो भाग अपना जाता है कितनी बार, 90 में भाग या 8 बार, क्योंकि 81 पीछे रह गए 2, 20, 11 एकम 11 पीछे कितना रह गया, 81 बार तो भाग गया, पीछे रह गए 20 में से 11 गए पीछे रह गए 9/11 कितना आ गया 81 सही 9/11। ये एक था पूरा का पूरा बेसिक जो हमारा आज तक अपन सीखते आ रहे हैं वो पूरा, कक्षा छोटी कक्षा में पहले 2, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी पढ़ते थे वो तरीका है ये। लेकिन इन तरीकों को अपनाएंगे तो मैं देख लो आपके सामने कितना समय लगा, 30 सेकेंड से ज्यादा लगा या कम लगा, तो आप सबको पता है कि लगभग 1 मिनट का समय इसमें अपने खराब कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने जो अभी पीछे अभी मान लिखे थे, तब मैंने मान लिखा था आपके सामने लिखा था कि जब भी आपको लिखा हुआ है कि 9/11 का मतलब कितना, तो सीधा सीधा आपको बटे में संख्या कितनी उसको देखो, तो बटे में संख्या 11, बटे में 11 मतलब इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 9 × 1/11 लिख सकते हैं, यानी कि इसका टुकड़ा ये कर सकते हैं, इसका अपन गुणा करेंगे तो 9/11 आने वाला है, तो 9/11 को 9 × 1/11 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर मैंने अभी मान बताया था 1/11 का मान कितना होता है, तो 9 × 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11। 1/11 का प्रतिशत मान कितना होता है, तो 1/11 का प्रतिशत मान होता है 9 सही 1/11। ये अपने सीखा था पीछे मान में, इसका सीधा गुणा कर दो, 99 81 9 × 1/11 ये लो जी। ऐसे आप साथियों प्रैक्टिस करोगे ना तो 100% मैं आपको कह देता हूं कि आप चुटकियों में आंसर निकाल लोगे। अगर मैं आपको कहता कि 8/9 का मतलब, सॉरी 8/11 का मतलब कितना, अब आप तो 8 से 11 का भाग लगाओगे, लेकिन जो ये चीज सीख लेगा इन चीजों को कंसेप्ट को साथ में काम करते हुए चलेगा तो वो सीधा कहेगा 8 × 9 = 72 8/11। आपने तो गुणा किया होगा, नहीं किया होगा, मुझे 1/11 का मान पता था, 1/11 का मान होता है 9 से 1/11, तो 9 को गुणा कर दिया 8 से 8 = 72 और ऊपर बटे में 8/11 आ गया। इसी प्रकार मुझे कह दे 5/11 का मतलब कितना, तो मैं सीधा बता सकता हूं इसका मान होगा 9 × 5 = 45 सही 5/11 ये प्रतिशत में मान होगा 5/11 का। इसी प्रकार कह दे कि 10/11 का मान कितना, तो 10/11 का मान 9/90 सही 10/11 प्रतिशत ये इसका मान आ गया। अब क्या होता है कि जो मैंने पिछले मान लिखाए थे वही तो मान है, वही पूरा बेसिक फंडामेंटल इसमें चलता है नहीं चलता है। तो मेरे प्यारे साथियों मेरी इस क्लास के दौरान मैंने पहले कहा था कि हम ऐसा बेसिक तैयार करेंगे कि हमें कोई भी क्वेश्चंस मिल जाए हम उसको चुटकियों में हल कर लेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जो मैंने पिछले 15-16 वैल्यूज लिखाई थी उनको आपको मौखिक याद करना है। मौखिक याद करने का कोई मतलब कैसे करेंगे आप, तो आप 2-3 बार डिस्कस करें आपस में, 100% आपको मान याद हो जाएंगे, 15 मान याद हो जाएंगे। डिस्कस कैसे करें, आपके दिमाग में सवाल तो यह है कि डिस्कस कैसे करें, कोई नहीं आपके पास में मत हो, क्या फर्क पड़ता है अपने पास में कोई है या नहीं है। मेरे प्यारे साथियों फर्क ये पड़ता है कि हमारे पास में क्या है और मैं किससे पूछ रहा हूं और किसको वापस बता रहा हूं। दिमाग के अंदर एक ही कमांड मिलनी चाहिए और कमांड ये दें
खुद को ही पूछें, खुद ही जवाब दें। कैसे? जैसे मैं खुद अपने मस्तिष्क में कहता हूं कि 1/3 को प्रतिशत में मान कितना होता है, तो मेरा मस्तिष्क कहेगा 33 सही, 1/3% होता है। क्लियर है कि नहीं है? यदि मैं मेरे मस्तिष्क को कह दूं कि 1/7 का मतलब कितना होता है, तो मेरा मस्तिष्क कहेगा 1/7 का मतलब 14 सही, 2/7% होता है। बिल्कुल सही है। तो साथियों, आपके भी ऐसे आप अपने मस्तिष्क को कमांड दें और उन कमांड का आंसर वापस खुद के मस्तिष्क से लें। इसी प्रकार अपन एक बार ट्राई करेंगे दिन में, एक बार आप सोते समय ट्राई करो कि मैंने प्रतिशत के 15 मान याद किए, क्या मुझे याद है या नहीं है। बिस्तर में आप सो गए हैं, सोते सोते उसको आप रिवाइज करो। एक बार आप सुबह उठने के बाद में वापस उस चीज को रिवाइज करो, कमांड दो, कोई भी एक वैल्यू कमांड दो दिमाग को, क्या दिमाग उसका आंसर दे रहा है। यदि हाँ उसका दिमाग आंसर देता है तो आपको साथियों 100% वो वैल्यूज याद हो चुकी है। इसी प्रकार आप भी एक फॉर्मूला अपनाएं और अपने मस्तिष्क को कमांड दें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दूसरा टाइप बताया कि जब भी कोई मान ऊपर बटे में एक की जगह पर 2, 3, 4, 5, 7, 6 कोई भी हो जाए तो अपन उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि कोई भी मान हो, चाहे बटे में ऊपर 2 है लेकिन नीचे कितना है उसको देखो। यहां नीचे 15 है तो 15 का क्या बताया था आपने, तो 15 का आपने पढ़ा था 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 का डबल कर दिया तो 12 सही 4/3%, ये हो गया आपका 2/15 का मान। कैसे किया मैंने? कमेंट कुछ नहीं किया, कहीं से भी कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक कुछ नहीं अपनाई, सीधा मुझे पता था कि 1/15 का मतलब ये, तो 2 का गुणा कर दो तो उत्तर आ गया। तो प्यारे साथियों, ये दूसरा टाइप था जो अपने पढ़ा अभी। इसके बाद में तीसरा टाइप है, इन तीसरे टाइप को अपन पढ़ेंगे। मैं अभी पढ़ा देता हूं आपको, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा पढ़ना उससे बेस्ट है कम पढ़ना, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं कि आपने लगभग 40-45 मिनट आपने जो अभी पढ़ा है, एक बार आप उसको पूरा रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद में आगे की चीज पे मिलते हैं कल इसी टाइम। तब तक आप मेरे साथ इसी चैनल पर बने रहें। आपका कोई भी मन का सवाल, कोई भी मन का सुझाव, जो भी आपके दिल में उत्पन्न होता है वो हमें कमेंट में जरूर दें। आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। और यदि लगता है कि आज की क्लास बुरी थी तो साथियों ऑप्शन खुला है आपके सामने, डिसलाइक भी करें। आपका कोई ना कोई सुझाव तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन एक बात 100% मैं आपके सामने बोल देता हूं कि आपका 100% सहयोग रहेगा तो ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शानदार ट्रिकें भी आगे आएगी और वो 100% आपके लिए तैयार करके आएंगे। तो आपका जितना अधिक जोश हमें मिलेगा उसका डबल जोश हम आपको देंगे। इसी आशा के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।